लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह गए जेल। इस केस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। अपहरण और रंगदारी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। बता दें कि बुधवार को जौनपुर की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद दोषी धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया है। अपहरण और रंगदारी से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, वो भी आपको बताते हैं। जिस केस में धनंजय सिंह को जेल की सजा सुनाई गई है, वो केस 10 मई 2020 का है। ये मामला नमामि गंगे परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने और धमकी देने से जुड़ा हुआ है, जिसमें धनंजय सिंह को दोषी माना गया। इस केस को लेकर जौनपुर के लाइन बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अभिनव सिंघल का आरोप है कि धनंजय सिंह ने कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए दबाव बनाया था। जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना किया, तो धनंजय के करीबी संतोष विक्रम सिंह ने अपने दो अन्य साथियों के साथ आकर अभिनव का अपहरण कर लिया और उसे धनंजय के घर लेकर चले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसी मामले में अब धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। धनंजय सिंह साल 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक लोकसभा 73 जौनपुर। इसके अलावा उन्होंने जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की। गौरतलब है कि धनंजय सिंह ने साल 2002 में 27 साल की उम्र में जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। 2007 में फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। साल 2009 में बीएसपी के टिकट पर जौनपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जीत कर संसद पहुंचे और अब 2024 के चुनाव में भी वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।